Hey guys, what's up? Welcome back. This is धैर्य बजाज एंड आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. आज की वीडियो बहुत बहुत अमेजिंग होने वाली है, ऐसा सारी होती है. द थिंग इज कि आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ ऐसे प्रोटीन से जो कि एक ब्लेंड प्रोटीन है. द क्वालिटी इज वेरी गुड, द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ ऑल यूएसए का है. अब आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई साहब जितने भी यूएसए के ब्रांड्स हैं सारे दे आर बीइंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो लोगों को ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना हिचकिचाहट हो जाती है खरीदने में कि यार भैया इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है यार, क्या हो रहा है. तो आज मैं आप लोगों का ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं जिसकी क्वालिटी, जिसके रिजल्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट. एंड टॉप मोस्ट बात यह है कि एक तो दिस इज अ यूएसए ब्रांड, द क्वालिटी इज वेरी गुड, द प्रोफाइल इज वेरी गुड, आपके ये सारे गोल्स में आपको हेल्प कराएगा. तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी जरूर फॉलो कीजिए जहां पे आप लोगों को हमारे कुछ ना कुछ कंटेंट डेली बेस पे ऑब्वियसली मिलता ही रहेगा. करेक्ट, हम जो इंस्टाग्राम का गाइस लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके तीनों पेज को आराम से फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू. राइट, सो गाइस हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं. मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन आज करवाने वाला हूं ANS के एन प्रो प्रीमियम क्वालिटी लीन प्रोटीन से. यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना. अब देखो ऐसा है कि ANS एक यूएसए का बहुत टॉप मोस्ट ब्रांड है, तो क्वालिटी जो इसकी ANS की है दैट इज वेरी फाइन. अब आज ही मैं ANS का हाइड्रोलाइज खोलने वाला हूं क्योंकि मेरा प्रोटीन हो गया खत्म. ठीक है, तो आज हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन ANS का खोलेंगे और एक शॉर्ट्स में अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में जरूर उसकी वीडियो भी पोस्ट करेंगे. ठीक है, अब ऐसा सीन है कि जो ANS का परफॉर्मेंस है एन प्रो, आज हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं कि आपको ये किस तरीके से बेनिफिट देगा और आपको क्या क्या मतलब बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. करेक्ट, अब देखो जो एन प्रो है प्रीमियम क्वालिटी ब्लेंड लीन प्रोटीन, इसके अंदर आपको 52 सर्विंग्स मिलती है, कंपनी प्रोवाइड करा रही है. दिस इज टोटली ग्लूटेन फ्री, 100% कंप्लीट होल प्रोटीन, बैंड सब्सटेंस फ्री. ठीक है, एक तो कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है. जो बेसिकली खेलते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके डोप टेस्ट होते हैं उनके लिए इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि एक तो बैंड सब्सटेंस नहीं है कोई भी ऐसा, तो उनकी बॉडी को या उनके करियर को कभी भी हार्म नहीं करेगा ये. राइट, अब इसके अंदर आपको मिलता है 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, देन यू आर गेटिंग 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA, 4 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन एंड प्रीकर्सर्स, एंड 6 आपको प्रोटीन सोर्स मिलते हैं. देखो दो प्रोटीन नहीं, तीन प्रोटीन नहीं, आपका 6 सोर्सेस ऑफ ब्लेंड प्रोटीन है. तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूंगा ये आपकी लीन गेनिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा. देखो वैसे टोटली डिपेंड्स ऑन योर डाइट की, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो लीन गेनिंग होगी, अगर आपकी डाइट आपके गोल पे डिपेंड है, जैसे आपको बल्की गेनिंग करनी है आपको उसमें भी हेल्प करेगा, आपको लीन गेनिंग में भी हेल्प करेगा. अगर हम बात करें कि आपको स्ट्रेटिंग में हेल्प करेगा, इट कैन डू, बट उसके लिए और भी प्रोटीन की ऑप्शंस बहुत अवेलेबल होगी अगर आपने श्रेड मोड पे जाना. बट पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू गो फॉर मसल गेनिंग और थोड़ा वेट गेनिंग पर्पस के लिए, और चाहिए भी आप लोगों को प्रोटीन ही, तो आई सजेस्ट यू गो फॉर दिस प्रोटीन. तो अभी हम अभी एकदम समझ जाओ, पहले मैं इसका रिव्यू करूंगा, देन यू डिसाइड कि आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए. करेक्ट, देखो ऐसा है कि जो इसका सर्विंग साइज है दैट इज 1 स्कूप 35 ग्राम्स का, सर्विंग पर कंटेनर जैसा कि आपको बताया दैट इज 52 सर्विंग्स. ओके, अब कैलोरीज आपको इसके अंदर मिलती है 140, यहां पे कंपनी ने बताया कैलोरीज फ्रॉम फैट आपको 15 मिलती है, टोटल फैट आपको 1.5 ग्राम्स मिलता है, सैचुरेटेड फैट आपको 1 ग्राम्स मिलता है, कोलेस्ट्रॉल यू आर गेटिंग 75 mg, आपको सोडियम 130 mg, पोटेशियम आपको 170 mg, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं 5 ग्राम. 5 ग्राम भी अच्छे कार्ब्स है इफ यू आर गोइंग फॉर मसल गेनिंग पर्पस, 5 ग्राम इज अ गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स. करेक्ट, डाइटरी फाइबर आपको 1 ग्राम मिलता है, शुगर्स आपको 2 ग्राम मिलते हैं. तो अगर देखा जाए प्रोफाइल इज काइंड ऑफ गुड. ठीक है, अच्छी प्रोफाइल है, एक ब्लेंड प्रोटीन के हिसाब से काफी अच्छी है. ठीक है, प्रोटीन आपको मिलता है 26 ग्राम, 35 ग्राम में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास आपको यहाँ पे कंपनी प्रोटीन प्रोवाइड करा रही है. करेक्ट, आपको विटामिन ए 0 मिलता है, सी 0 मिलता है, कैल्शियम 15%, आयरन आपको 2% मिलता है. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोटीन, कि आपको जो 6 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं वो कौन से हैं. करेक्ट, इंग्रेडिएंट्स में गाइस आपको जो मिलते हैं प्रोटीन, आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिलता है 80%, वे प्रोटीन आइसोलेट 97%, हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आइसोलेट का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है, आपको यहाँ पे मिल्क प्रोटीन आइसोलेट एंड एग व्हाइट एल्युमिनियम भी मिलता. अब भैया ऐसा है कि दिस इज एग प्रोटीन, तो दिस इज नॉट अ वेजिटेरियन प्रोटीन, तो सबसे बड़ी बात है जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए प्रोटीन दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. इसके अंदर अंडा भी है, तो जो लोग वेजिटेरियन है या वीगन है उनके लिए प्रोटीन बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है. मैं ऊपर आई लिंक पे ऑप्शन डाल दूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर मसल गेनिंग के लिए कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए वेजिटेरियन में. ठीक है, बट अगर नॉन वेज वाली बात है फिर तो आप ये ले सकते हो, बट अगर इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो ये आपके कोई काम का प्रोटीन नहीं होगा. ठीक है ना, क्योंकि आप यूज ही नहीं करोगे, ऑब्वियस बात है उसको. ठीक है,
अब यहाँ पे आपको मिशलर कैसीन भी मिलती है। अब देखो सारे प्रोटीन सोर्सेज आपको दिए हैं, देखो इसके अंदर कैसीन भी है तो आपकी बॉडी में लेट रिलीज रहेगा प्रोटीन का, ठीक है। मिल्क प्रोटीन आइसोलेट भी है, एग प्रोटीन भी है, और आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट का हाइड्रोलाइज तक का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब देखो मेरा मानना है कि पर्टिकुलरली हाइड्रोलाइज एक्सपेंसिव होता, आइसोलेट एक्सपेंसिव होता, ठीक है। आपको एग प्रोटीन भी हर कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है, आपको इसके अंदर वो सारी चीजें मिली है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग लीन गेनिंग में आपको हेल्प कराएगी, ठीक है। और इसके अंदर वो सारे फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोटीन है कि जब आप इसको यूज करोगे, एक तो हाइड्रोलाइज भी है, ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसा रहेगा कि देखो एक तो रिकवरी भी फास्ट होगी, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन लेट रिलीज भी चलता रहेगा, ओवर टाइम आपके मसल्स को रिकवर करता रहेगा और आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। अब दोबारा वही बात कर लेते हैं कि ये यूज किसको करना चाहिए। यूज बेसिकली उनको ही करना चाहिए जिनका बेसिकली गोल रहने वाला है लीन गेनिंग पर्पस का। अगर बेसिकली आप चाहते हो कि भैया कि वी वॉन्ट टू गेन आर वेट बट हमें गेनर नहीं यूज करना, आप तब भी इस प्रोटीन का यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू बी इन ए कैलरी सरप्लस, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि अगर आप एक कैलरी सरप्लस प्लस क्लीन खा रहे हो तो आपके लीन गेनिंग बहुत अच्छी हो, करेक्ट। अगर आप गंदमंद खा रहे हो, दैट इज नॉट गेनिंग, दैट इज अ चर्बी फैट, ठीक है, तो आप तब प्रोटीन लोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। कीप योर डाइट गुड, कीप योर वर्कआउट गुड, आप अपना प्रोटीन अच्छा रखिए। मैं कहता हूं दीन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपका रिजल्ट रोक सके किसी भी हाल में, करेक्ट। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज कैसे करना। बेसिकली यूज ऐसे करना है आपने कि इफ यू वर्कआउट इन मॉर्निंग, तो एज अ पोस्ट वर्कआउट आपने एक बनाना खाना पहले, उसके बाद अपना प्रोटीन यूज करना, ठीक है। ऐसा होता है कि इसके पीछे एक साइंस है कि जो ग्लाइकोजन लेवल होता वो डिप्लीट हो जाता है व्हेनेवर वी वर्कआउट, ठीक है। पर जब हम बनाना खा लेते हैं एक तो वो रिस्टोर हो जाता है, उसके बाद जब हम प्रोटीन यूज करते हैं वो हमारे सीधे जाके मसल्स में जाके हमारे को रिकवरी प्रोवाइड कराता, दैट इज द थिंग, ओके। अब इसको आपने यूज कैसे करना, इफ यू वर्कआउट इन मॉर्निंग तो ऐसा रहेगा कि आपने एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज करना और एक रात को बेशक सोने से पहले यूज करो, ठीक है। और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो, एक सुबह एज अ ब्रेकफास्ट ले लो या फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के एक घंटे बाद यूज कर लो, और एक शाम को एज अ पोस्ट वर्कआउट हमने यूज करना सेम तरीके से जैसे हम सुबह यूज कर रहे थे, केला खा के एक अपना स्कूप प्रोटीन का, तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है इसका। अब गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर जो कंपनी है वो एमआरपी प्रोवाइड करा रही है 6500 रुपीज, बट आपको शिरसाई न्यूट्रिशन बहुत सस्ते रेट पे पड़ने वाला है जो कि होने वाला है मात्र 4500 रुपीज, विद जीएसटी बिल होगा, फ्री शिपिंग होगा, तो आप लोगों को उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ ऑल गारंटी रहेगी कि आपका सामान जो भी आप तक आएगा इट विल बी 110% genuine, इस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं हमेशा, क्योंकि देखो very simple thing of business, if I will provide you a genuine product तो obviously आप मेरे से हर बार ही मंगाओगे, एक बार ही नकली बेचूंगा तुम कभी मंगाओगे भी नहीं, और मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा अच्छा सामान होगा, अच्छी क्वालिटी होगी और पूरा genuine होगा। Let's talk about the import stamp of this product, JB Nutrition LLP इसको directly import करते हैं, this is the official importer of BioX and the importer of ANS, तो आप मंगाओ बेफिक्र होकर, आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। So guys, आप अपना ANS का एंड प्रो प्रोटीन ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे या फिर हमारी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। मैं दोबारा एक ही चीज की गारंटी आपको देना चाहूंगा, सामान जेनुइन होगा और जेनुइन होगा और जेनुइन होगा, राइट। सो गाइस, हम लोग आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ और बहुत सारी वीडियोस में जहां पे हम लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमेशा देखो एज मैं आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है ना हर चीज में, मैं आप लोगों को दर्शा नहीं सकता शब्दों में कि आप लोगों ने मेरे को कितना कितना प्यार दिया। एक एक बंदे ने जब भी मेरे को फोन करते हैं हमेशा एक ही चीज से बोलते कि तेरे भैया आपकी वीडियोस हमारे को बहुत पसंद आती है, तो बनाते रहा करो, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, जब भी नोटिफिकेशन आती है हम जरूर देखते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग, देखो इट डजंट मैटर अबाउट द व्यूज बट द लव यू गिव अस, मैं उस चीज का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच इस चीज के लिए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।